जितने भी लोगों ने मुझे ये YouTube इनकम के बारे में पूछा है, तो मैं उनको बता दूं कि मेरी YouTube इनकम कितनी होती है और अभी तक मैंने YouTube से कितने पैसे कमाए हैं। जितने बंधु को भी डाउट है शिहाब भाई के रिलेटेड कि शिहाब भाई कब निकलेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बंधु ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो सभी को मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूँ कि सुमायरा चौधरी पूछ रही हैं कि मेरी शादी कब होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये शादी का डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या है वो बात जो दिखती है मगर जाहिर नहीं होती, तो मैं यही कहूँगा, कभी मिलोगे तो बताऊँगा, कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, 1, 2, 3 स्टार्ट। हे एवरीवन, यहां जेके बॉय मिस्टर का पार्ट खान, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। नए राउंड के साथ, नई वीडियो के साथ आपके गफार व्लॉग्स में स्वागत है। सो फाइनली Q&A वीडियो है जो आपके बीच में आ चुकी है। जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैंने इस वीडियो में किया है। सारे क्वेश्चंस तो पिक नहीं हो पाए, कुछ क्वेश्चंस पिक किए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे वो कवर कर दिए मैंने। आपका डाउट यूट्यूब इनकम, अर्निंग कितनी होती है, शादी कब होगी, क्या करता हूँ, जॉब क्यों छोड़ी, यूट्यूब क्यों चूज किया, सारा कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में अरबाज को पूछूंगा। अरबाज, आपसे मेरा क्वेश्चन है, पहला पूछिए सबसे। आपने मुझे क्वेश्चन किए, मैं क्वेश्चन अरबाज को पूछता हूँ। नहीं, फिर ये आपके चैनल का नाम क्या है? अरबाज AK व्लॉग्स। एक तो प्रमोशन होगी, अरबाज AK व्लॉग्स। AK व्लॉग्स, अरबाज व्लॉग्स, तो चलो ठीक है, ये बीच में AK क्या है? बता दे आज राज खोल दे। नहीं, खोल दे राज आज। देखो ये तो बहाना लगा रहा है, एक के बता क्या है, क्या अरबाज खान ये आ गया ना, चुड़िया मार रहे हो, चुड़िया मार रहे हो, फंस गया। नहीं, इसमें राज की बात है, आप इसको जरूर क्वेश्चन करें, AK क्यों है बीच में, इसके Q&A में हमें आपको पूछना है कि AK क्यों है बीच में। सो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं वॉल ट्रैवलर हूँ, इंडियन ट्रैवलर है। हम दोनों दुनिया घूमने के लिए निकले, मैं दुनिया को ये दुनिया घूमने के लिए निकले, मैं इंडिया घूमने के लिए निकला, ठीक है। तो चलिए जुड़ जाइए गफ्फार व्लॉग्स के साथ, कुछ नहीं करना है, बस जो रेड बटन है उसको ऐसे ऐसे करना है, मुक्के मारना है। अच्छा जनाब, तो मैं आ गया हूँ इस रूम में आप लोगों से बातें करने, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी लाइफ स्टोरी, मेरी कहानी भी इसमें मिल सकती है आपको, थोड़े थोड़े इशारे मिल सकते हैं, और लाइक मेरे बारे में यूट्यूब जर्नी है, सब कुछ, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा वो जुनैद मलिक साहब ने पूछा, वो जो कि कश्मीर से हैं, उन्होंने पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, और जब आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था और यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम आपको क्या लगा था कि मैं अगर सक्सेस नहीं कर पाया यूट्यूब पे तो मैं क्या करूँगा, मींस के क्या आपके दिल में डर था? तो ये क्वेश्चन का रिप्लाई जुनैद मलिक का है। जुनैद मलिक भाई, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आप लोगों के लिए को भी बहुत अच्छा आंसर मिल सकता है, आप लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिल सकती है। देखिए, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन आप इंसानों को, हम इंसानों को पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए, और ये माइंड में बात कभी भी नहीं लानी चाहिए क्या मैं हारूंगा तो क्या होगा, जीतूंगा तो क्या होगा, ऐसा माइंड में कभी नहीं लाना है। जब भी आप ये चीज़ माइंड में लाते हैं, आपका डबल माइंड होता है ना, तो आप सक्सेस नहीं पा पाते हो, आप सक्सेस कभी नहीं हो पाते लाइफ में। सो जब भी आप कोई काम करने के लिए आप शुरुआत करें, जब भी आप कोई काम शुरू करें, बस ये सोचें कि सक्सेस को मुझे छीनना है, ग्रैब करना है, सक्सेस को छीन के लाना है, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अगर सक्सेस नहीं हो पाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, दिल में मेरे कोई भी डर नहीं था, बस ये था कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, मेरी पूरी कोशिश चलती रहती, और अभी भी मैं सक्सेस नहीं, मैं खुद को सक्सेसफुल पर्सन अभी नहीं कह पाऊंगा, मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मेरे दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था, मैं तब भी कोशिश कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, नए नए आइडियाज़ लाता हूँ, नई नई वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, वीडियोज़ को हट के बनाने की कोशिश करता हूँ, और पीछे हटने वालों से नहीं हूँ, कभी भी नहीं डर था और अभी भी डर नहीं है। और आप लोगों को भी कहूँगा, दिल से डर हटाइए, घर से निकलिए, सिर्फ YouTube के लिए नहीं, जो भी आप काम करना चाहते हो,
उसको जान दिलो जान मेहनत से करें और इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाएंगे अपने उस मकसद में। उमर खुर्शीद जो मेंटर्स हैं, शायद मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, उन्होंने मुझे पूछा, और साजिद खान है, जितने भी लोगों ने मुझे ये यूट्यूब इनकम के बारे में पूछा, तो मैं उनको बता दूं कि मेरी यूट्यूब इनकम कितनी होती है और अभी तक मैंने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए हैं। मेरी यूट्यूब से इनकम पहले मैं बता दूं, मैं आपको यूट्यूब पहले से स्टार्ट किया था, मैंने 3-4 साल से पहले से स्टार्ट किया था, पर मेरी रैंडम वीडियोस आती थी, अपने शौक के लिए मैं करता था, ऐसे जो जो मन करता था। मैं गिटारिस्ट भी हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, सो गिटार प्ले करके वो जो कोई सिंगिंग वगैरह की वीडियोज़ होती थी वो मैं डालता था ऐसे थोड़ी थोड़ी करके, और जो जो ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड वीडियोज़ लाइक कोई भी वीडियोज़ रैंडम वीडियोज़ आ जाती थी वहाँ पर, तो मैं रेगुलर नहीं था यूट्यूब पर। और मैंने फाइनल डिसाइड बहुत पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे दुनिया घूमनी है, और ये मेरा शौक था, मैं निकला आया घर से दुनिया घूमने के लिए, और मैंने यूट्यूब से कोई पैसे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं कमाए, यूट्यूब से मेरी एक ही इनकम आई हुई है, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। पहले तो नहीं कह पाया जब यूट्यूब इनकम आई थी, लेकिन अभी मौका मिला है तो अभी आप सभी लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। यूट्यूब से मेरी एक इनकम आई हुई है और वो इनकम इट वाज लाइक वाली है। सो ये रही अर्निंग्स की बात। फिर उसके बाद रहा क्वेश्चन, नरगिस शेख जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आपको पता था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, 2 ईयर्स मैंने एज ए टीचिंग करी है, और 4 ईयर्स हाँ 4 ईयर्स मैं एज ए प्रिंसिपल रहा हूँ, छोटा सा प्रिंसिपल। टीचिंग प्रोफेशन में मेरा एज ए कंप्यूटर टीचर था, मैं एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन करा था, लेकिन मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी है, स्टार्टिंग से मेरे को आदत थी इंग्लिश बोलने की, और मैं इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था, और इंग्लिश मेरी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, और मुझे इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट दे दिया था, मैं इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाता था, और एज ए प्रिंसिपल जब भी था तब भी मैं टीचिंग करता था और इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में पढ़ाता था। और इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं और मेरा फेवरेट फूड क्या है। मेरी हॉबीज़ है दोस्त बनाना, नई नई जगहें देखना, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं यार, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में लाइक नो कि क्रिकेट का मैं ऑलराउंडर था, बॉलर भी हूँ, बैट्समैन भी हूँ, अभी थोड़ा सा दिक्कत आती है मेरे एक्सीडेंट के बाद ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है मुझे, और क्रिकेट भी खेलता हूँ, मुझे खाना भी खाने का भी शौक है, मैं गिटारिस्ट भी हूँ, सिंगिंग का भी शौक है मुझे, और बहुत सारे शौक हैं। और इन्होंने खाने के लिए पूछा मुझे कि मैं खाना मुझे क्या अच्छा लगता है, खाने का सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, खाना मुझे सिर्फ राइस या सिर्फ चपाती नहीं पसंद है, मैं अगर दोनों मुझे मिलते हैं, राइस भी मिलते हैं चपाती भी मिलते हैं, दोनों मिक्स करके मैं खाता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है, थोड़े से राइस साथ में चपाती वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसका साथ मेरा फेवरेट है शाही पनीर, शाही पनीर मेरा फेवरेट है और शाही पनीर मैं खाता हूँ माशाल्लाह, और बाकी सारे खाने अच्छे लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा स्पेशल ये वाला, बस ये है कि बैंगन की सब्ज़ी मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, उससे मुझे दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्या मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता बैंगन की सब्ज़ी, बाकी कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो मुझे अच्छी ना लगती है, बाकी सब अच्छा लगता है, बट फेवरेट है मेरा, जब मुझे खाना खाने का मन करता है मेरे पास राइस भी होने चाहिए थोड़े से, चपाती भी होनी चाहिए, उसके साथ शाही पनीर हो या कोई भी वेजिटेबल हो, शाही पनीर मैं फर्स्ट प्रेफर करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। सुमायरा चौधरी पूछ रही हैं कि मेरी शादी कब हो गई। अच्छा, मैं आप लोगों को ये शादी का डाउट क्लियर कर देता हूँ, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसे मजाक करता रहता हूँ, आप लोग सीरियस हो जाते हो कि जैसे कि मुझे शादी की पड़ी हुई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से बड़े भैया हैं अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, वो 30 ईयर्स के हैं, 30 साल उनकी एज है और उनकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, और मैं उनसे छोटा हूँ, उनकी 30 ईयर्स एज है, और सोच लो मैं उनसे छोटा हूँ, मेरी एज क्या हो सकती है, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, पहले उनकी शादी होगी फिर उसके बाद मेरी शादी जाके होगी, और मैं शादी किससे करूँगा ये भी उन्होंने पूछा। देखिए, मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल पर्सन नहीं है कि मैं जिससे शादी करूँ, या कोई भी ऐसा पर्सन मेरे दिल में उतरा नहीं है अभी तक कि मैं जिससे शादी करूँ, जो कभी उतरे थे वो गायब हो गए पता नहीं कहाँ पे, पर मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल पर्सन नहीं है कि मैं जिससे शादी करूँ।
और अभी तक दिल में भी कोई भी नहीं है। अब आगे पता नहीं है, मम्मा मेरी शादी करवाते रहते हैं, जैसे कि मम्मा का डायलॉग रहता है कि घर आएगा तो अकेले ना, साथ में किसी को मत लाना। अब वो देखते हैं, या फिर जब दिल में कोई उतरेगा तो मम्मा को बताऊंगा मुझे ये पसंद है ये पसंद है। अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं, जो आया था तो अपनी अपनी जगह ढूंढ ली, उन्होंने भाग गया आगे पीछे तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो और कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं कि गफार भाई ने हमें बोला हुआ है कि आप कोई भी रिश्ते के लिए आता है तो हमें बताओ, लड़की की क्वालिफिकेशन पूछो, ऐसे ऐसे। पर मैं सभी उन बंदों को कहूँगा कि मैंने किसी को, उन बंदों को भी, आप लोगों को भी कहा, कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे रिश्ते के लिए या कोई कोई ढूंढा, या पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। वो मैं खुद करूँगा, कोई दिल में उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्या होगा खुदा जानता है क्या होगा, अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं किया, कहाँ शादी होगी, किसके साथ शादी होगी, कब होगी, इट्स नॉट डिसाइडेड येट। सोहेब खान, नहीं पता मुझे ये कहाँ से है, इन्होंने क्वेश्चन मुझे किया है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप व्लॉग्स के अलावा क्या काम करते हैं और क्या आप ट्रैवलिंग करना पसंद है? मैं व्लॉग्स के अलावा कोई भी काम नहीं करता हूँ। मैं जॉब रिज़ाइन करके, मैं एज ए प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल काम करते करते मैंने रिज़ाइन करके मैं व्लॉगिंग के लिए निकला हूँ, व्लॉगिंग इन द सेंस ट्रैवलिंग के लिए निकला हूँ। और मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है, नई नई जगहें देखने का शौक़ है, नए नए लोगों से मिलने का शौक़ है, और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ करने का शौक़ रहता है, और वो उस चीज़ के लिए निकला हूँ मैं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, पहले मैं प्रिंसिपल था, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस जस्ट सिंपल यूट्यूब ही है मेरा इनकम सोर्स, और यूट्यूब ही मेरा सब कुछ है। यूट्यूब के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जितने बंदों को भी डाउट है शिहाब भाई के रिलेटेड कि शिहाब भाई कब निकलेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बंदों ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो सभी को मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूँ कि शिहाब भाई अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कब निकलेंगे, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक उनका वीज़ा क्लियर नहीं हो जाता, ये हमें नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, शिहाब भाई को खुद नहीं पता है कि उनका वीज़ा कन्फर्मेशन कब आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है। आप फेक न्यूज़ पे मत जाइए, लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, जो मैं बात आपको बोलता हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि शिहाब भाई को खुद नहीं पता है कि उनका वीज़ा कन्फर्मेशन कब हो जाएगा और वह यहाँ से निकलेंगे। जाबिर हुसैन हैं एक भाई मेरे, जाबिर हुसैन, वो क्वेश्चन करते हैं मुझे, उन्होंने कुछ शायराना अंदाज में मुझे क्वेश्चन किया है। वो पूछते हैं कि एक खामोशी है जो दिखती है आँखों में, पहले उन्होंने कहा एक खामोशी है जो दिखती है आँखों में, एक खलिश है जो खटकती है बातों में, एक नरमी है जो हमदर्द बनाती है गैरों का, एक चोट है जो गैर के जख्मों को सहलाती है क्या वो बात जो दिखती है मगर जाहिर नहीं होती। तो इसी पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, वो भी जैसे उन्होंने शायराना अंदाज में पूछा तो मैं भी शायराना अंदाज में रिप्लाई कर देता हूँ कि कभी मिलोगे तो बताऊंगा या कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा, क्या है मेरी ये तन्हाई का राज और क्यों है मेरे साथ मेरा दोस्त अरबाज, कभी मिलोगे तो बताऊंगा कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा। क्यों है ये खामोशी जो दिखती है आंखों में, क्यों है ये खलश जो खटकती है बातों में, क्यों है ये खामोशी जो दिखती है आंखों में, क्यों है ये खलश जो खटकती है बातों में, और क्यों है ये नरमी जो हमदर्द बनाती है गैरों का, कभी मिलोगे तो बताऊंगा कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा, क्या है ये तन्हाई का राज क्यों है मेरे साथ मेरा दोस्त अरबाज, कभी मिलोगे तो बताऊंगा कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा। अगली लाइंस का मैंने लिखा है उनका कुछ, क्या है वो चोट जो जख्मों को सहलाती है, जैसे उन्होंने पूछा मुझे तो इसी का रिप्लाई कर रहा हूँ, क्या है वो चोट, क्या है वो चोट जो गैर के जख्मों को सहलाती है, और क्या है वो बात जो दिखती है मगर जाहिर नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा, कभी मिलोगे तो बताऊंगा कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा, क्या है ये खामोशी का राज क्यों है मेरे साथ मेरा दोस्त मेरा अरबाज, कभी मिलोगे तो बताऊंगा कभी बैठोगे तो सुनाऊंगा। एक साइमा जी हैं, वो मुझे क्वेश्चन करती हैं कि हाउ डू यू थिंक अबाउट बिकम अ वर्ल्ड ट्रैवलर, कि मैंने ये कैसे सोचा कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवलर बनना है। सो भाई मैंने बताया कि मुझे दुनिया घूमने का शौक था,
शौक है अभी भी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं बींग ए प्रिंसिपल जो पहले जॉब करता था वो बस दीवारों के अंदर रह रह के अंदर का काम करना पसंद तो था मेरे को, पर उतना पसंद नहीं था। मैं खुल के लाइक इन द सेंस जो मैं करना चाह रहा था वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। मुझे दुनिया घूमनी थी, बाहर के शौक, घूमना फिरना, बातें करना, तो वो बींग ए प्रिंसिपल मैं नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो दुनिया घूमते हैं, देखते हैं कैसा है, लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन क्या है। तो ये फाइनली मैंने ये चूज़ किया। सो इट वॉज ऑल अबाउट आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, जो मेन क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा सारा कुछ कवर हो सकता है इन क्वेश्चंस में, वो मैंने इस वीडियो में रिप्लाई कर दिया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान और मेरा ध्यान भी आपने रखना ही रखना है। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।